मिथिला जिले के देवर बीजा में संचालित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं के अभाव के चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र असुविधाओं का आलम यह है कि सिंघोरी गांव से प्रसव कराने आई महिला के परिजनों ने बताया कि वह देवर बीजा के नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए थे, जहाँ देर शाम तक सिर्फ एक डॉक्टर ही मौजूद था, लेकिन वहाँ ना सिस्टर और ना वार्ड बॉय ना ही नर्स थे और घंटे भर इंतजार किए लेकिन कोई नहीं आए, जिससे प्रसव कराने आई महिला को उसके पति ने तत्काल आनंद फानंद में महतारी एक्सप्रेस की मदद से बेमेतरा जिला अस्पताल आया। और अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि स्वास्थ्य केंद्र में फैली अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार कौन है। मैं देवरबीजा हॉस्पिटल गया था अपनी बीबी को लेके, तो वहाँ कोई सुविधा नहीं था, इसलिए मैं बेमेतरा आया। किस तरह का सुविधा नहीं था वहाँ पे? कोई नर्स वगैरह कुछ नहीं था। तो किस आपको किसने बोला है कि यहाँ आने के लिए? वहाँ जो एक डॉक्टर था ना, वही बोला कि वहीं ले जाओ कोई बेमेतरा हॉस्पिटल करके। किसी प्रकार का चेकअप हुआ था कि नहीं? ना, वहाँ कोई चेकअप नहीं हुआ था। किसी प्रकार का चेकअप नहीं हुआ? ना ना, कुछ नहीं हुआ था। तो कंपाउंडेंट वगैरह कोई था वहाँ पे? कोई कंपाउंडेंट नहीं था, सिर्फ एक डॉक्टर था। कोई सिस्टर? कोई सिस्टर नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ? ना ना। दोस्त, आपने कोई किसी ड्यूटी लगी नहीं थी? फील्ड स्टाफ भी अपने काम में व्यस्त है, इसकी ड्यूटी 2008 में नहीं लगा पाए थे। ऐसा नहीं हुआ? जी हाँ, भ्रमता खाते तो दिखना चाहिए था, जो पास पास में जो भी है, जिसकी ड्यूटी या दिन में ही हुई, काल करने पे उनको आना चाहिए था। अब मरीज पेपर कम से कम चेक कर लेगा लगता है। तो यह भी बताया जा रहा है कि वहाँ का डॉक्टर इन लोग स्टाफ नर्स को लोग फोन लगाते हैं, उनके सबका नंबर बंद बता रहे थे। हाँ, इस पर हम उनसे बात करेंगे भी। ड्यूटी हॉवर में कम से कम दिन भर फोन कभी भी आपको बुलाया जा सकता, फोन बंद रखें। और हॉस्पिटल सर्कल पूरा सुनसान था, कोई हॉस्पिटल में नहीं थे, पूरे दरवाजा, पूरा कंप्यूटर रूम, वैक्सीनेशन रूम और इंजेक्शन का पूरा सब खुला हुआ था। जो वहाँ पे जिम्मेदार हम जवाब तलब करेंगे क्यों इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है।